अधूरे पड़े पुल के पूरे होने की आस में बैठे हैं ग्रामीण। छात्र छात्राओं समेत ग्रामीणों को लगातार जोखिम उठाना पड़ रहा है। दरअसल मामला मैहर जिले के ग्राम मड़ी अजमाइन का है। वर्ष 2008 में स्थानीय नेताओं के द्वारा गांव वालों को एक पल की सौगात दी गई, जिससे गांव में खुशी का माहौल छा गया था, क्योंकि रीवा जाने के लिए गांव वालों को 40 किलोमीटर से ज़्यादा घूम कर जाना होता था। पुल बन जाने से 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती। धीरे धीरे पुल निर्माण शुरू हुआ। ग्रामीणों को अब भी आस है कि ये पुल बनकर तैयार होगा, लेकिन स्थानीय नेता इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस पुल के अधूरे पड़े होने के कारण छात्र छात्राओं को अपने विद्यालय में जाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गांव के रहने वाले आयुष ने अपनी पीड़ा जताते हुए कहा कि गांव में पुल के वजह से बीमार व्यक्ति को भी दिक्कत होती है। पुल ना होने के कारण लोगों को 40 से 50 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है, जिससे कई बार उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। बाढ़ के कारण बच्चे रीवा नहीं जा पाई, पढ़ाई लिखाई सब बंद ही है, समस्या ही। पुलिया नहीं बने, 2007-08 से काम बंद है, चालू नहीं होता है। हर दर की आवत है, नेता कहा थे चालू होई बनवाओ, बनवा में नहीं कहूँ। कौन नेता से अपना बच्चे बात करन है? सलगे नेता से तो मिल चुका, सलगे नेता तो आवत है हर साल, कौनो नेता कुछ नहीं करे। 2007-08 से काम बंद भा, उसके बाद अबे तक नहीं शुरू भा। लगभग आसपास के 10-15 गांव प्रभावित हैं। अगर पुलिया बन जाते सीधे ईंट जाए, 15 किलोमीटर है रीवा, लेकिन पुलिया न होने के कारण 100 किलोमीटर घूमे का पड़ा था। पहले ताला, अमरपाटन, भड़रा पूरा घूमत घूमत तब रीवा पहुंची थी, लगभग 100 किलोमीटर। पिछले 5 बार से ही विधायक, सांसद, भाजपा के नेता हैं, हर दर की आवत है माननीय सांसद महोदय, बस यह कहते कि आसो बनवा दे, पर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं है। नदी के पार नहीं कर पाते हैं, पुल है नहीं, तो आवागमन पूर्णतः प्रभावित हो जाता है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे समस्याओं से वंचित रह जाते हैं लोग। मरीजों का समय से इलाज नहीं हो पाता है। लगभग इसमें नहर के निर्माण के समय 2007-08 में इसका निर्माण कार्य चल रहा था, उसके बाद कुछ कार्य होने के बाद कार्य रुक गया, उसके बाद से यह कार्य अधूरा है। इसमें से कम 10 से 15 गाँव प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें मढ़ी अजमाइन है मुख्य रूप से, और भदवा, जगहथा, केमलहा, झिन्ना, ककलपुर, सनेही जैसे गांव प्रभावित हो पा